नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 7C। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। यहाँ से इस एक्सरसाइज से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऐड दी फॉलोइंग, ठीक है। इसमें ए मैंने वो उठाए जो अलग अलग टाइप के, ए उठाया, डी उठाया, ई उठाया और जी, ये अलग अलग टाइप के थे। अब आप बोलोगे सर जी बी और सी कहाँ, तो बी और सी एक के जैसे ही हैं, इसलिए मैंने उनको शामिल नहीं किया, ठीक है। और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको तरीका कुछ इस तरीके का बता दूंगा कि फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। तो देखिए हम ए को करते हैं, ठीक है। ये आपका 21 kg 900 ग्राम एंड 41 kg 470 ग्राम, ठीक है। तो केजी और ग्राम आ रहा है तो आप केजी लगा लो, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पे क्या लगा लिया मैंने, ग्राम। इतना क्लियर, पहले वाले से लिखी केजी कितनी है 21 और ग्राम कितना है 900, ठीक है। यहाँ पे केजी कितनी है 41 और ग्राम कितना है 470, ठीक है। तो इन दोनों को मुझे ऐड करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्या प्लस, ऐड करेंगे हम 000, यहाँ पे 7, ये आप बताए 13 का 3 आएगा, केरी चला जाएगा आपका 1 जो कि इस साइड होगा, 11 ए केरी आपका 3 और 426, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ना वो ये तो आ जाएगा केजी, क्योंकि केजी की सीट में केजी दिया जाएगा ग्राम, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं बी की तरफ। बी देखिए, बी में देखिए यहाँ पे लीटर है और एम एल है, तो मैं लूँगा क्या, मैं लीटर लूँगा और एम एल ले लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 62 और ये 350, ठीक है। ये कितना है 24, 24 और ये कितना है 125, इन इसको भी मुझे ऐड कर देना, मैं बिल्कुल इजी वे में इनको ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं ऐड कर रहा हूँ 5, 7, 4, ठीक है 6, 8, तो ये 86 है ना, वो तो आपका क्या आ चुका लीटर, और ये आ चुका आपका क्या एम एल, ठीक है 475 ml। यहाँ तक आपको डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी गाइज, ये आपका डी था, ठीक है ना, डी। इसके बाद मुझे ई की बारी है, ई को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैंने ई लगा लिया, ठीक है। देखिए डी एम है और सी एम है, तो ये मैंने डी एम लगा लिया, ये मैंने सी एम लगा, बड़ी यूनिट को लेफ्ट साइड और और छोटी यूनिट को राइट साइड में आपको लिखना है। तो 3 DM और 5 CM, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब 25 था आपका डी एम और 9 क्या है सी एम, ऐड करना है, ऐड कर देंगे उसी जी में, ये 14 है, ठीक है। कितना हो चुका 14 का 4 कैरी आपका कितना आ चुका है 1, ठीक है ना, कैरी 1 आ चुका है, कैरी को इसमें आप ऐड कर लो 8 और 1 9 और ये 2 का 2, तो ये तो आपका डी एम आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सी एम, बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए जी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो जी में देखिए मीटर और एम एम, ये मैंने एम लगा लिया, ये एम एम मिलीमीटर, ठीक है, मीटर और मिलीमीटर, ये 6 और ये 404, ठीक है, ये 12, 508, 508, ये 613 mm, तो इस साइड रखेंगे, इसमें कुछ नहीं है तो हम 0 0 लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये प्लस, ठीक है। देखिए अब ध्यान से ऐड करूँगा तो ये 12 और 3 15 का 5, हासिल कितनी, कैरी कितनी 1 1 और 1 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 15 का 5, कैरी कितनी 1 8 और 1 9 और 1 का 1, ये आ जाएगा आपका एम यानी कि मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एम एम यानी कि मिली मीटर। तो किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं हुआ होगा गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इस बार हमें माइनस करना है, तो मैं करता हूँ ए वाले को, ए वाले में क्या देखिए मीटर और एम एम है, ये एम और ये डबल एम, ठीक है। एम कितना है 32 और 625 ये है, ठीक है, ये कितना है, ओ एम सॉरी मैंने गलती कर दी, फ्रॉम के बाद वाला इसे पहले लिखना, जो संख्या ज़्यादा यूनिट ज़्यादा में है ना वो उसे पहले लिखो, तो 62 और 525 ये पहले आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, और 32 और 625 ये आएगा बाद में आपके नीचे, यानी बड़े में से छोटे वाला को घटाना है, 0 0, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 आपकी कैरी, इस साइड आप ऐड करोगे तो 12 में से 3 का कितना बचेगा 9, ठीक है, 6 में से 4 बचेगा 2, ठीक है, ये एम और ये डबल एम, इतना आपके बच जाएगा, ठीक है। ए बी, बी को करते हैं गाइज, यहाँ से बी में देखिए इसने के एल और एल ले रखा है, तो ये के एल आ चुका है, ये यहाँ से एल आ चुका है, ठीक है। अब देखिए इस बार ध्यान देना, फॉर्म यानी 30, ये 30 है, पर इस साइड देखिए 3 डिजिट है, मुझे 3 0 यहाँ पर लगाने पड़ेंगे मजबूरन, ठीक है, इसमें से मुझे घटाना 27, 595 ये मुझे माइनस करना है, तो मैं बिल्कुल इजी वे में इसको
कर दूंगा। तो आइए, 10 में से 5 आएगा, कितना बचेगा? 5, 10 की एक राशि में ये 10, ठीक है, ये 0, 0 को मैं 10 मानता हूँ। 10 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 0, ठीक है। 10 की एक राशि में 6, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4, ठीक है। अब 10 की एक राशि में 8, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2, और 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो ये तो आपका हो गया के एल और ये हो गया आपका एल। बस किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अब मुझे करना है सी, तो ये मैंने लगा लिया यहाँ से सी। सी में देखिए किलोमीटर और मीटर है, तो ये मैंने लगा लिया किलोमीटर, ये लगा लिया मीटर, ठीक है। किलोमीटर देखिए 10 और ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाना है, तो मैंने ये सब कुछ लिख लिया, ठीक है। 5 km और 372 मुझे माइनस करना था, ये मैंने यहाँ से माइनस लगा लिया। अब बिल्कुल इजी वे में करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक में से दो नहीं करता, 11 में से दो जाएगा, बचेगा कितना? 9, ठीक है। कैरी आपके अपने यहाँ पे 11 माना था, उसकी कैरी इसमें ऐड करो 8। 5 में से 8 नहीं माइनस होता, इसलिए 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7। अब 15 की कैरी इसमें ऐड करो, ये 4 है, 3 में से 4 नहीं जाता, 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा। 13 की कैरी इसमें यह कितना बन चुका है? 6। कितना बन चुका है गाइस, आप बताइए? 6, 6 ही तो बन चुका है यहाँ पर है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जब 10 में से 6 घटेगा तो आपके पास में कितना बचेगा? 4, 1 में से 1 जाएगा 0। तो ये तो आपका आ चुका है किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या? मीटर। तो गाइस यह भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नमन परचेज्ड 8 kg 350 ग्राम वीट, 3 kg 500 ग्राम शुगर एंड 1 kg 500 ग्राम सॉल्ट, फाइंड हाउ मच वीविंग ही इज कैरिंग। उसने टोटल कितना वजन उठा रखा है, कितना कैरी कर रखा है, कितना ले रखा है, यही पूछा है ना। सभी को ऐड करना आपको, देखिए इनके पास में है कि kg और जी है, तो आप kg लगाओ और जी लगाओ, और जो है उसके नीचे लिख देगा। 8 kg है तो 8, ये 350 इस साइड लिख दो, ठीक है। 3 kg 500, ये 3 और ये 500 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए 1 और 500, अब ऐड करना है ना सिंपल वे में, कर देंगे प्लस लगाओ। तो गाइस देखिए हम इन्हें ऐड करते हैं, 0 0 0, 5 00 0, 13 का 3 कैरी आ गया 1, 12 13 जाएगा, 13 तो जाएगा kg, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका ग्राम, तो कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन। अगला देखिए, रुचि बोर्ड 315 मीटर 4 cm क्लॉथ ऑफ वन काइंड एंड 725 एंड 9 cm क्लॉथ ऑफ अनदर काइंड, हाउ मच क्लॉथ डिड सी बाई। उसने टोटल कितना कपड़ा खरीदा, तो हमें करना क्या, हमें दोनों को ऐड करना है यार। तो आप मीटर लगाओ और सेंटीमीटर लगाओ, 315 है यहाँ पे, ये 1 है, ठीक है, 7 मत मान लीजिए, ये 4 cm है, 4 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखूँ तो 725 है, ठीक है, और ये 9 cm है, तो इसको हम ऐड करेंगे, प्लस कर दिया। 13 का 3 हासिल कितनी? 1, वो इसमें ऐड करेंगे, 11 का 1 हासिल कितनी? 1 3 4, और ये कितना आएगा? 10, तो 10 41 है ना, यह तो हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनू बोट 125 लीटर कंटेनर ऑफ ऑयल, ही यूज 25 लीटर्स 532 ml ऑफ इट, हाउ मच ऑयल इज लेफ्ट। कितना लीटर ऑयल बचा है? तो मैंने लीटर और ml ले लिया, लीटर मेरे पास में 125 है और ml में बोलूँ तो 000 है इसके साथ, ठीक है। इसमें से मैंने 525 लीटर 532 ml काम में ले लिया, तो इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा। 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा, 10 की एक हासिल इसमें 4, 10 में से 4 घटेगा कितना बचेगा? 6, 10 में से 6 घटेगा कितना बचेगा? 4, ठीक है, ये 6, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 9, यहाँ पे 3, ठीक है। तो हिसाब यहाँ पर बताइए आप, 12 में से ये 12 मान लो, इससे 12 में से 3 घटेगा तो 99 यानी कि 9, ठीक है। तो ये तो आपका आ चुका है लीटर, ये आपका आ चुका है ml, ठीक है। तो आंसर विल बी मैच कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई जी एक बात पे ध्यान दे रहा हूँ, जो एक जैसे क्वेश्चन थे उनमें से जो 4 क्वेश्चन थे तो मैं सिर्फ एक ही करा रहा हूँ उनमें से, क्योंकि इस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे यार इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो छठा नहीं है, सातवां करा रहा हूँ। निशांत वॉकड 3 5 5 6 7 किलोमीटर इन अ वीक, इफ ही वॉकड द सेम डिस्टेंस एवरी डे, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर इन अ डे, ठीक है। अब देखिए वीक में यानी कि 7 डे में वो कितना कवर कर रहा, आप मुझे ये बताइए। 3 5 5 6 7, ठीक है, वन डे का उसने हमसे पूछा, तो हम करेंगे क्या, ये जो आपका 3 5 5 6 7, इसको मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड मैं यहीं पे करने वाला हूँ। 35 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 times, फिर इसमें नहीं जाएगा ये दो डिजिट आप साथ में उतारोगे तो भाव टूटने का 0, फिर 56 में जाएगा 8 बार, 7 में जाएगा 1 बार, ये आपका राइट आंसर है यहाँ से, ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये किलोमीटर 5081 किलोमीटर आपका यहाँ से राइट आंसर आ चुका है। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनिया ड्रिंक्स 250 ml ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज ड्रंक बाय हर इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, तो आप बताइए मुझे वन डे में वह कितना मिल्क पीती है। 250 ml मिल्क पीती है। ठीक है, अब यह जुलाई बोल रहा है। ठीक है, जुलाई में कितने दिन होते हैं पहले, तो ये ध्यान रखूँ कि यह मंथ जुलाई का है। अप्रैल जून सितंबर नवंबर तीसरा मानो, बाकी सब 31 हज़ार हो, तो जुलाई में 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो आप लिख लो यहाँ पे जुलाई, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना 31 days 31 days। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 250 एक दिन का है, 31 का हमें निकालना, तो हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वो 20 GB में। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो का तो जीरो, उसके बाद 25 का पाड़ा एक बार बोला, 25 का 5 कैरी कितने 2, 25 75 और 2 77। ठीक है, तो यही मेरा राइट आंसर है, ये एम एल। इसे आगे कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको बोल सकता हूँ 7 लीटर और 750 ml। इस तरीके से भी आंसर आपका हो सकता है, तो इन दोनों में से एक आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, और ऐसे सही दोनों ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपको चेंज करना आना चाहिए। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निधि नीड्स 750 ग्राम ऑफ शुगर टू बेक ए केक। एक केक को बनाने के लिए निधि को इतना शुगर चाहिए, 750। ठीक है, सी बेक्स 1 केक ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे, वह प्रत्येक रविवार और शनिवार को एक केक बनाती है। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर आर यूज फॉर द केक्स इन ए मंथ हैविंग 4 संडेज एंड 5 सैटरडेज। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे बताइए वन डे में वह कितना यूज करती है, 750 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 5 यानी कि टोटल 9 डेज आपको बताना है कितना यूज़ करेगी। तो 750 × 9, ठीक है, आराम से करेंगे, 0 आ चुका है, 9 का 5 5 को 9 5 = 45 का 5 कैरी कितनी 4, 9 7 63 63 और 4 हो जाएगा आपका 67। ठीक है, तो ये आपका ग्राम यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 6 kg है और 750 ग्राम है, यही मेरा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं गाइज इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए आप बिल्कुल आराम से, होस्टल नीड्स 69 kg 990 ग्राम ऑफ राइस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, हाउ मच राइस इज रिक्वायर्ड पर डे। अब इसने बोल दिया अप्रैल मंथ में टोटल इतना, तो अप्रैल मंथ में आप मुझे बताइए, यहाँ पे नाम लिख लीजिए आप अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं मुझे तो याद है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर तीसरा मानो, बाकी सब 31 जानो, ये है ट्रिक। ठीक है, तो इतने दिन में ये कर क्या रहे हैं, ये बना रहे हैं 69 kg और 990 ग्राम राइस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इतने चावल की नीड होती है, इन्हें आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है ना गाइस, अब मुझे कितने का निकालना, मुझे तो एक का निकालना यार, तो मैं करूँगा गाइस इसको पहले मैं चेंज कर लूँगा, टोटल को ग्राम में ही ले आऊँगा, तो ये 69,000। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 69,990 ग्राम। ठीक है, मुझे पता है मैंने इसको 1000 से गुणा करवा दिया। ठीक है, फिर लास्ट के 3 जीरो में ये घुस जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा 69,990। ठीक है, 69,990। ठीक है, अब ये तो 30 दिन का, मैं तो एक दिन का निकालना है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे पर डे निकालेंगे 69,990/3/30। ठीक है, आप बताइए 0 से 0 कैंसिल, अब 3 के पारे से हम देखेंगे 2 3 3 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं ग्राम लगा सकता हूँ, अब मैं इसको केजी में चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग 3 के बाद पॉइंट, तो 2 तो आ जाएगा आपका केजी और 333 ये आ जाएगा आपका ग्राम। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है, जो ऑप्शन में दिया हो ठीक है उससे मैच करवा लेना, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। ठीक है गाइज, इतने क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, मैंने आपको बिल्कुल इत्मीनान के साथ धैर्य के साथ बताए हैं। वीडियो में क्या कुछ कमी लगी, क्या अच्छा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।